आज आपने बहुत बड़ा सवाल मेरे से पूछ लिया कि राजस्थान में 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। ये 1-1.5-2 महीने पुरानी बात है। जब लैप्स हुआ उसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मैंने अधिकारियों को बहुत स्ट्रिक्ट आदेश दिए और मैंने कहा मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं देश में और राजस्थान में, वो ये समझ लेना चाहिए। अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी मैंने देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। यदि कोई आदमी जनता का गेहूं लैप्स करवा दे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और जांच होगी। कल मैंने सीएस को फोन किया, मिस्टर कुलदीप राका को भी मैंने फोन किया था, पूरी बात बताई और मैंने उनसे इस बात की नाराजगी भी व्यक्त की थी। कह रहे धीरे धीरे काम नहीं चलता है, आप सेक्रेटरी टू सीएम है, यदि कहीं पर गेहूं लैप्स हो रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई अधिकारी अवमानना कर रहा है सरकार के आदेश की तो उसकी ड्यूटी है, यदि अवमानना कर रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तब डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होगा। यह सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। और अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, एसीआर के अधिकार आप मत लिखिए सबकी, एसीआर एसीआर हमको लिखने दीजिए, क्योंकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्री हैं। जब आप उसको अधिकार दोगे मंत्री को एसीआर लिखने के, ये अधिकार सब राज्यों में मंत्रियों के पास है, तो आईएएस ऑफिसर सुधरेगा। वो मानेगा ही नहीं बात। जब बात नहीं मानेगा तो आप जनता का काम कैसे कराओगे? जनता रोती है, दुकानों पर लोगों के सिर फूट गए। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आपने मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया आज,